स्टेशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। तो जी बस हम जा रहे हैं स्टेशन। आपने देखा कि व्लॉग का इंट्रो किसने दिया, वो आके खड़े हो गए थे कैमरे के आगे और बस हाय गाइस हम जा रहे हैं स्टेशन। तो मैंने फिर रिकॉर्ड कर लिया, मैं डिलीट नहीं करती। चलें बस हम रास्ते में हैं और बस आज जा रहे हैं। आ गया वो दिन आखिर, 20-22 दिन ऐसे गुजरे हैं कि पता ही नहीं चला। मैं कुछ शादी में भी मसरूफ़ थी और बस जो एंड का टाइम हमें मिला हमने वो इन्जॉय कर लिया। स्टेशन आ चुके हैं और मुझे अंशा इस वक्त आवाज़ें दे रही थी कि मम्मा मेरी वीडियो बनाए, वीडियो बोलती हैं, और ये देखें खड़ी हो गई हैं आके। बस जी हम जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। थोड़ा आगे ले गया था कुली हमें, तो क्योंकि उनको पता होता है भाई उनका रोज़ का काम है। हम बड़े हैरान हो रहे थे कि इनका जो डब्बा था ना नंबर, वो इन्होंने लाके हमें वहीं पे खड़ा किया जहाँ पे वो स्टॉप हुआ था, बिल्कुल सामने ही था। बस हमने सामान उठाया और रख दिया। तो जी जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है, हमारी दोनों की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। ज़ाहिर हाल तो मेरा भी वैसे था, लेकिन मैं अभी जो है ना अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, क्योंकि फिर मैं जब रोने पर आती हूँ ना तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो क्योंकि मेरे हाथों की पली हुई है ना अभी, इस तरीके से हमसे दूर गई हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर रही थी। लेकिन यह है कि मैं घर पे आके, मुझे जितना रोना था ना, फिर मैं घर पे आके रोई। जब घर में ऐसा नाटा हो गया और घर खाली हो गया जी गाइस, तो बस बहनों की मोहब्बत ऐसे ही होती है। मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। नहीं हम नहीं थे जी गाइस। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे वीडियो देखते देखते ऐसे रोना आ जाएगा, लेकिन मैं, ये मेरे हाथ की पली हुई है तो ये अरबिश इसके हाथ की पली हुई है। तो बस हमारा बहुत इमोशनल सा मोमेंट था ये, क्योंकि अब अभी तक तो आस रहा था कि हम मिल लेंगे 2-3 महीने बाद, लेकिन अब जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा मिलने में। तो जी बस मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि चलें चाय पी लेते हैं बैठे में, तो चाय ले आए थे वो, और इसी टाइम पे जो है इनकी ट्रेन भी आ गई थी। तो बस हम ट्रेन के अंदर गए, उनका हमने कंपार्टमेंट देखा। लेकिन तो जी ये लोग आए थे सर सैयद से, लेकिन इनको लाहौर का स्टेशन देखना था बस, तो इन्होंने वापसी में तेज़गाम करवाई थी। तो उसका जो एसी स्लीपर था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो बस हम यही देख रहे थे। इतना छोटा था कि हम लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और जो सर सैयद का है, ये एक तरह से मैं रिव्यू ही दे रही हूँ, आप रिव्यू समझें। सर सैयद का बहुत ही ज़बरदस्त एसी स्लीपर है। और जी ये सिमरन जा रही है अपनी ज़िंदगी जीने और हम लोग यहाँ रह गए हैं दूसरी साइड पे। भाई 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 बोला नहीं आ रहा, क्या कहना है, आगे नहीं बोल पा रही। बहन ओढ़ के रखिएगा, ये भी बोल दो, बहन ओढ़ के रखिएगा जब तक सर्दी है। चलो तुम लोग निकलो बाहर। अरे ये गेट पर चले जाएंगे, क्या कर रही हो? आओ देखना बच्चों, ठीक है? हाँ क्या किया? चलो एक मिनट अभी अंदर तुम सफाई करके सोना।
चलो जी आप रास्ते में देखिए। ये उधर कहाँ जा रही है ट्रेन? उधर रही थी अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और हम लोग अपने घर जा रहे हैं वापस नमोनी। मैं अपनी नमोनी को मैसेज करना चाहती हूँ। नमोनी अब हम लोग वापस जा रहे हैं, आप हमारे साथ अब इतना याद आएंगी, हम आपको बहुत याद करेंगे। आप तो चली गए, मैं अपनी छुट्टियों में स्कूल की, अब मैं आऊँगी वापस खुशी खुशी। चले जी, एक छोटा सा मैसेज था हरबिश की तरफ से। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह कोई रूटीन व्लॉग होगा। और जाते जाते मुझे ये इंजन नज़र आ गया था तो मैंने इसकी वीडियो ले ली। चले जी, अल्लाह हाफिज़।